Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking revision of chapter 3, Iswaran the Storyteller. We have seen two videos of this chapter already and today we are taking video number 3. Okay, let's go. There we have stopped this chapter. We have read 2.5 page of this chapter already and we are on the page number 3. So we will read the chapter from where we have stopped. We have read 3rd page number half. Okay, we will start from here. One morning when Mahendra was having breakfast. Okay, let's start. One morning when Mahendra was having breakfast, Iswaran asked. Ek subah jab Mahendra kya kar rahe the, breakfast le rahe the, to Iswaran ne kaha, pucha. Can I make something special for dinner tonight? Sir, कि आज क्या मैं कुछ विशेष बनाऊँ डिनर में आज रात को? Sir, after all, today is an auspicious day. कि आज क्या है, एक शुभ दिन है. According to tradition, tradition के अनुसार, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestor today. Sir, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, परंपरा के अनुसार हमको आज क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा विभिन्न प्रकार की जो डेलिकेसीज़ है. डेलिकेसीज़ का मतलब है कि बहुत सारे जो विभिन्न प्रकार के जो भोजन है, चीज़ें हैं, वो बनानी पड़ेगी ताकि हम फीड कर पाए, खिला पाए, मतलब कि भोजन चढ़ा पाए, ऑफर कर पाए हमारी देवताओं के लिए, स्पिरिट्स के लिए, जो हमारी पूर्वजों की, जो हमारी पूर्वजों की आत्माएँ, उनको शांत करने के लिए उनको भोग लगाना होगा. आज ऑस्पिशियस डे, किसने कहा? ईश्वरन ने. डैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कल्नेरी स्किल. देखो क्या करें, उस रात महेंद्र ने एंजॉय किया सबसे स्वादिष्ट डिनर और साथ ही साथ प्रशंसा भी की ईश्वरन की. किसको लेकर? उसकी कुकिंग स्किल्स को लेकर. देखो यहाँ पे कल्नेरी का मतलब है कुकिंग स्किल्स, जो उसकी खाने बनाने की जो स्किल्स थी, जो एबिलिटी थी, उसकी भी उसने तारीफ की. ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिस अकाउंट्स इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल. कि ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश लग रहा था, लेकिन उम्मीद के बिल्कुल विपरीत ना, ठीक है ना, उसने लॉन्च की एक गैरिस अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल. मतलब उसने एक और नई चीज़ शामिल की, कहानी सुनाना शुरू किया जिसमें उसने सुपर नेचुरल को इन्वॉल्व किया, मतलब भूत को इन्वॉल्व किया, आत्माओं को इन्वॉल्व किया अपनी कहानी के अंदर, जो अब वो बताने वाला है. तो देखिए क्या कह रहे. यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड. कि आप जानते हो सर, ये पूरा का जो पूरा फैक्ट्री का एरिया है जिस पे हम ऑक्यूपाई कर रखे हैं, जिस पे हम हैं, वो कई पहले क्या था, एक कब्रिस्तान था, एक ब्यूरियल ग्राउंड था. ही स्टार्टेड, उसने कहना शुरू किया. महेंद्र वॉज जग्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील. देखो क्या कह रहे हैं, जो महेंद्र वो जग्ड आउट हो गया, मतलब एकदम से झटका लगा हो, मतलब हिल गया हो. किससे बाहर आ गया हो? जग डाउट का मतलब बाहर आ जाना. किसे? जो उस जो खुशनुमा जो सपना देख रहा था, जो सपने में था, वो कब? अपने भोजन को सेटिस्फाई करने के बाद में, अपने भोजन को लेने के बाद में बिल्कुल ठीक ठाक था, खुश था. उससे उस खुशी से मानो कि एकदम से वो बाहर आ गया हो, जब उसने किसके बारे में बताया कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पहले ब्यूरियल ग्राउंड था, कब्रिस्तान था, जब उसने ये कहा. आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इट्सेल्फ, और मुझे ये पहले ही दिन पता चल गया. व्हेन आई सो अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, जब मैंने एक मानव खोपड़ी देखी, मनुष्य की खोपड़ी देखी, कहाँ पे पड़ी हुई? रस्ते के ऊपर पड़ी हुई. एवरी नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स. ईश्वरन कंटिन्यूड, कि क्या कह रहा है कि एवरी नाउ, मतलब कि हम अक्सर मुझे देखने को मिल जाती कई सारी मतलब स्कल्स, खोपड़ियाँ और हड्डियाँ. ईश्वरन ने जारी रखा अपनी बात कहना. ये ईश्वरन है
और ये जिस प्रकार से इसको स्कल्स भी दिखाई दे रही है पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट, ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सो घोस्ट एट नाइट, और उसने जारी रखा नरेट करना, बताना कि कैसे कई बार उसने भूत देखे हैं रात को। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन बाई दीज थिंग्स सर। अब देखो क्या कह रहे हैं, मैं आसानी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं ईजिली फ्राइटन होने वाला नहीं हूँ इन चीज़ों से सर। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर आदमी हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वूमन विच अपियर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट नोरिंग द फुल मून। देखो क्या कह रहे हैं, लेकिन एक भयानक गोस्ट, एक भयानक भूत, किसका, औरत का, अपीयर का मतलब प्रकट होता है, ऑफ का मतलब जाता है, उनका मतलब वापस आता है, मतलब कि प्रकट होता है फिर गायब होता है फिर सामने आ जाता है, गायब होता है फिर सामने आ जाता है, कौन, उस वूमन का भूत। एट मिडनाइट, रात को, ड्यूरिंग द फुल मून, जब फुल मून था, मतलब कि क्या था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेट मी स्टार्ट अगेन। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ वूमन विच अपियर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, कि क्या कह रहे हैं, एक भयानक भूत, किसका, औरत का, लगातार वो अपियर होता है और फिर चला जाता है। अपियर का मतलब प्रकट होना, ऑफ का मतलब गायब होना, अपियर ऑफ का मतलब गायब होता है फिर ऑन हो जाता है फिर वापस आ जाता है आधी रात को, ड्यूरिंग द फुल मून, कब, जब फुल मून होता है, जब अमावस्या होती है, सॉरी पूर्णिमा होती है। इट इज़ एन अगली क्रीचर, और ये एक क्या है, अगली क्रीचर है, भद्दा क्रीचर है, जीव है, विच मैटेड ही है, जिसके मैटेड हेयर मतलब उलझे हुए बाल है, एंड सिल्वर फेस, और उसमें कई सारी झुरियाँ पड़ी हुई चेहरा है, लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म, मानो कि एक कंकाल ने होल्ड कर रखा हो एक भ्रूण को, एक फीटस को अपने हाथों के अंदर। फीटस का मतलब होता है भ्रूण, छोटा सा बच्चा। महेंद्र शिवर्ड एट दिस डिस्क्रिप्शन, महेंद्र है वो कांप गया इस डिस्क्रिप्शन पर, एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली, और जल्दी से उसने इंटरप्ट किया और कहा, यू आर क्रेजी, क्या तुम क्रेजी हो ईश्वरन, दे आर नो सच थिंग एज घोस्ट और स्प्रिट, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है राक्षस और आत्माओं जैसी, इट्स ऑल फिगमेंट्स ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, फिगमेंट्स है, चीज़ें तुम्हारी कल्पनाओं की, जो तुम्हारी इमेजिनेशन है, तुम्हारी इमेजिनेशन का रूप है, ये फिगमेंट्स है, ऐसी वास्तव में कोई चीज़ होती नहीं है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, कि क्या करो, तुम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक करवाओ, जांच करवाओ, अपने पाचन तंत्र का जांच करवाओ तुम, मे बी योर हेड एज वेल, और साथ ही साथ अपने सिर का भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो आज, कौन कह रहा है, महेंद्र, किसको, ईश्वरन को। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, वो रूम से चला जाता है, और ठीक है ना, रिटायर्ड फॉर नाइट का मतलब, और नाइट, रिटायर्ड फॉर नाइट का मतलब सोने के लिए चला जाता है, रूम को छोड़कर सोने के लिए चला जाता है। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, और उम्मीद थी कि वो क्या करेगा, ईश्वरन क्या करेगा, सल्क करेगा, मतलब कि उसे रूठ जाएगा एक दो दिन के लिए, उसे ऐसा महसूस हो रहा था, किसको, महेंद्र को। सल्क फॉर का मतलब रूठ जाना, मुंह फुला लेना। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज ए ईयर, लेकिन अगली सुबह वो सरप्राइज हुआ जब उसे पता चला कि जो उनका कुक है वो उतना ही चीयरफुल है और बातों नहीं है जैसे पहला था, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब रात को उसने महेंद्र को डांटा था। फ्रॉम डेट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल द ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज, फ्रॉम डेट डे मतलब उस दिन से महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, जो भी बहादुरी भरी बातें थी, ठीक है ना, वेंट टू बेड विद सर्टेन अनईज, और मतलब उस दिन के बाद में वो बिस्तर पे जाता था, मतलब बेचैनी के साथ में, मतलब इस अब उसे थोड़ी बहुत घबराहट होती थी सोने जाने से पहले। एवरी नाइट ही पीयर्ड इन टू द डार्कनेस, और हर रात को क्या करता था, झांक कर देखता था बाहर अंधेरे में, कौन, महेंद्र। लेट्स होप इट मस्ट बी कंप्लीटेड टुडे आउट सॉरी आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, मतलब बाहर विंडो, आउटसाइड थ्रू द विंडो, विंडो से बाहर, बिस्तर
जहाँ बिस्तर थे उसके खिड़की के बाहर जब वो देखता, ट्राइंग टू मेक श्योर, और ये श्योर होने का प्रयास करता डेट देर वॉज नो मूवमेंट, कि कोई मूवमेंट नहीं, कोई हलचल नहीं है, ऑफ डार्क शेप, किसकी, अंधेरी की आकृति की, इन द विसिनिटी, आसपास के क्षेत्र में, कि आसपास के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट तो नहीं है ये देखने की कोशिश करता। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ फैक्ट्री माइल्स अवे, लेकिन उसे दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता और झिलमिलाती हुई उजाला, किसका, फैक्ट्री का, जो मिलो दूर थी। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, और उसको हमेशा से पसंद था प्रशंसा करना, किसकी, मिल्क वाइट लैंडस्केप, कि दूर जैसा सफ़ेद जो दृश्य है, धरातल है, जब पूरा मून लाइट वाला हो, मून लाइट का मतलब जो पूर्णिमा जैसा जो रात है, इस प्रकार का धरातल हो, दृश्य हो, उसको उसने हमेशा ही पसंद किया था और उसकी हमेशा से प्रशंसा की थी। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ फीमेल घोस्ट, लेकिन ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद में उस फीमेल घोस्ट की, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर, तो उसने बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया बाहर देखना, विंडो के बाहर देखना उसने बिल्कुल ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। यस, तो उसने अवॉइड करने लग गया वो विंडो से बाहर देखना पूर्ण रूप से। व्हेन द मून वॉज फुल, चाहे मून फुल ही क्यों ना हो, चाहे पूर्णिमा का दिन ही क्यों ना हो। नेक्स्ट, वन नाइट महेंद्र वॉज वॉकन अप, एक रात महेंद्र वॉकन अप हुआ, जग गया फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से, बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो, कि एक धीरे से रोने की आवाज़ आ रही थी, मॉर्निंग की मौन की आवाज़ आ रही थी, मौन का मतलब रोना, ठीक है ना, किसके पास में से, विंडो के पास में से। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉबलिंग अराउंड फॉर माइस, पहले तो उसने ये समझा कि कोई कैट है जो क्या कर रही है, चूहे के पीछे प्रॉबलिंग कर रही है, घूम रही है, म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो पहले तो उसे लगा। बट द साउंड वॉज टू ग्रटल फॉर अ कैट, लेकिन जो साउंड था वो बहुत ज़्यादा ग्रटल था कैट के लिए, मतलब कैट जैसा साउंड नहीं था, कैट से भारी था। ही resisted the curiosity to look out lest he should behold the sight which would stop his heart, कि उसने अपनी curiosity को, अपनी जिज्ञासा को रोकने के लिए बाहर देखा, और ताकि वो क्या कर सके, lest he should behold a sight which would stop his heart, okay, what he's saying, कि वो कह रहा है कि अपनी curiosity को वो stop कर देना चाहता था बाहर देख कर, कि कहीं कोई ऐसा दृश्य तो नहीं है जो उसके हर्ट को स्टॉप कर दे, उसके दिल को रोक दे। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन, उस जो आवाज़ थी, जो वेलिंग थी, जो रोने की आवाज़ थी, जो विलाप की आवाज़ थी, वो लगातार तेज होती चली जा रही थी, और लेस फेलाइन, लेस फेलाइन का मतलब बिल्कुल कम, ऐसी कि जो बिल्ली या दूसरी चीज़ें जैसी हो। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, और वो अपने टेम्पटेशन को, अपने लुभावन को बिल्कुल भी नहीं रोक पाया। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out, और अपने आप को झुकाया उसने विंडो सिल के यहाँ से, खिड़की के यहाँ से बाहर देखा, और क्या देखता है, the white sheet of moonlight outside, कि बाहर बिल्कुल moonlight की जो white sheet है वो दिखाई दे रही है, मतलब चंद्रमा की जो सफ़ेद रोशनी है वो दिखाई दे रही थी। There not far away was a dark cloudy from clutching a bundle, और ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी पास में ही, मतलब कि ज़्यादा दूर नहीं था, बिल्कुल नज़दीकी, एक डार्क क्लाउडी फॉर्म, फॉर्म का मतलब आकार, एक काले बादल जैसी आकृति थी जिसने पकड़ रखा था एक बंडल। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वीट, महेंद्र को मानो कि पसीना आ गया, ठंडा पसीना कब आता है, जब व्यक्ति घबरा जाता है, कोल्ड स्वीट, तो उसको ठंडा पसीना आ जाता है, एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वापस तकिए के पास में चला जाता है पेंटिंग हाँपते हुए। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैस्टली एक्सपीरियंस, He began to reason with himself, और जैसे ही वो धीरे धीरे रिकवर्ड होता है वो गेस्टली एक्सपीरियंस से, गेस्टली एक्सपीरियंस का मतलब जो उसने भूत देखा और जो अनुभव किया, उसे धीरे धीरे जैसे रिकवर होता है तो वो अपने आप से पूछने लगता है, रीज़न करने लगता है कि क्या वो वास्तव में सही है जो उसने देखा। एंड फाइनली, और आखिरकार, कंक्लूडेड डैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक डैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, कि उसने अंत में कंक्लूड किया, ये निष्कर्ष निकला कि ये कोई ना कोई
मतलब इसका ऑटो सजेशन है, स्वतः उसकी मन की कोई धारणा है या किसी ना किसी प्रकार की ट्रिक है या उसके माइंड का ये कोई गेम है, सबकॉन्शियस माइंड का या अर्ध चेतन अवस्था का ये कोई ना कोई क्या है गेम है, उसने ये समझा। बट बाय द टाइम इट गॉट अप इन द मॉर्निंग, लेकिन जब वो मॉर्निंग में उठा, हैड अ बाथ, नहाया, कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और बाहर आया अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, लेकिन जो डर था पिछली रात का वो अब धुल मतलब कि धूमिल सा हो गया था, हट गया था, याद नहीं था उसको, अपनी उसकी मेमोरी में था नहीं। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर, और ईश्वरन ने उसे ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग वगैरह कहा डोर पे ही, विथ हिज लंच पैकेट के साथ में और उसके बैग के साथ में। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, और जैसे ही महेंद्र जाने वाला था बाहर, ईश्वरन ग्रीट एंड सेड, ईश्वरन स्माइल किया और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm, कि सर आपको याद है कि जब मैं आपको बता रहा था उस फीमेल घोस्ट के बारे में जो उसके पास में फीटस था अपने हाथों के अंदर, और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे विथ मी, मुझे लेकर, फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, कि ये कोई काल्पनिक चीज़ है, इस प्रकार से कहकर मेरे पे गुस्सा हो गए थे, ठीक है। वेल यू सो हर हर सेल्फ लास्ट नाइट, आपने खुद ने उसे देखा पिछली रात को, कि जब मैं बोल रहा था आपने मुझे डांटा, लेकिन कल आपने खुद ने उसको रात को देख लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग डैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और मैं खुद दौड़कर आया सुनने के लिए उस आवाज़ को जो रोने की थी और आ रही थी कहाँ से, आपके रूम से। अ चिल वेंट डाउन महेंद्रस स्पाइन, स्पाइन बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को, और एक जो कहने का मतलब है, He did not wait for Ishwaran to complete his sentence, और उसने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया, ओके उसने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया Ishwaran का कि वो कंप्लीट करे अपने सेंटेंस को। He hurried away to his office, वो जल्दी से ऑफिस जाता है, handed in his papers, अपने पेपर्स वहाँ थमा देता है और डिसाइड कर लेता है, resolving का मतलब डिसाइड कर लेता है कि वो लीव करेगा उस भूत वाली जगह को the very next day, अगले ही दिन, कि मतलब उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो वहाँ नहीं रुकेगा और वहाँ से उसी दिन रवाना हो जाएगा, और उसने वैसा ही किया। तो आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, ठीक है, और आपकी फिर ऑनलाइन क्लास भी होने वाली है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपनी क्लास ज्वाइन करें। थैंक यू।